सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल जी। मैं कुलदीप कौर, असीं पिंडां वाले चैनल ते तुहाडा स्वागत करदी आं जी। ते किवें आ जी, ठीक ठाक होवोंगे? हुण जी टाइम हैगा आथण दा, 6 वज गए ने। ते आपां हुण शाम दे खाणे दी सब्जी दी तैयारी करदे सी। मैं बैठिआ मतलब बैठे बैठे वीडियो बना लैंदे आं। ते हुण आपां दुध दा, डंगरां डुंगरां दा, पशुआं दा नवेड़ के बाहर बन्नदे ने, धारा धूरा कढ के। तो 2 घंटे वो आराम करेंगे, बेचारे कच्चे च बैठने तो आप सब्जी रोटी की तैयारी करते हैं, फिर उन्होंने फिर अंदर लियावे कपड़े खुले। तो आप बनाने जी अच पेठे की सब्जी। जोड़ा पेठा है जी, ये अपना घर का है, अद्धा पहला आपां इहदे कट के बना लिया। तो ये अद्धा हजे पिया गा। सब तो वड्डी गल है जी, साडा पेठा जिहड़ा ऑर्गेनिक आ, साडा घर का पेठा, इहदे उत्ते कोई स्प्रे नहीं की हुई, क्योंकि स्प्रेहां नाल सब्जी है जी आपां नूं पता ही है भी कितना अपने शरीर लई है ना भी गलत हुंदा, गलत हानि उहदे हानि कितने हुंदे ने। स्प्रेहां तां आपां नूं सब्जियां ते बहुत घट करनियां चाहीदियां ने, आपां सारिआं नूं पता भी आपदे लई आपां नूं बिना स्प्रे तो सब्जियां खरीदना तैयार करनियां चाहीदियां ने। चाहे सुंडी वाली खा लो, सुंडी कढ के उहनूं कट वढ के उहदा कोई नुकसान नहीं हुंदा, पर जिहड़ी स्प्रे आपां नूं पता किन्ने साल हुंदे ने उह खतरनाक हुंदे ने, वीर इह स्प्रे नहीं करनी चाहीदी। पर सब्जी हुंदी तां घट आ, पर भी आपदी सेहत लई तां वधिया हुंदी आ। मैं इहनूं छिल के बनाऊंगी जी पेठे नूं, मेरा बेटा जिहड़ा उह खांदा नहीं हैगा बिना छिलिया। ते वैसे जिहड़ा पेठा हुंदा जे आपां इहनूं बिना किले बनाइए तो करारा बनता, पर ऐ ठीक भी बच्चों की पसंद भी फिर बना पैंती है, मैं छिल के बना हूँ। तो कई इन्हों अपने पंजाब पेठे ही कहने, बाहर इन्हों कद्दू भी कहते हैं। बिल्कुल कच्चा पेठा यदा जो छिलका कच्चा गा, बहुत वधिया पेठे हुए ने अच्छी, ये सब्जी वधिया हो रही है। पर प्याज ने जिहड़े थोड़े जिहे अच्छी छोटे रह गए, कई लोग तल के बनाते हैं पेठे, कई ऐवें बनाते हैं भी पेठा बनाने के भी कई तरीके ने गे। चलो जी, इन्ने आप सब्जी सुब्जी कटते हैं, तो तुम इन्ने बाहर का व्यू देव, उधर दिखा दो सी छुट्टी भून के, और छलियाँ भुन रहे ना बच्चे चुले तो नहीं भुन रहे, गैम उसे हवा नहीं लगती। साड़ा छोटा जी सारा ना बच्चा है, बहुत शरारती है जी, टिकता नहीं स्कूल, करके स्कूल लगते नहीं है, अपने पैर के घर लगते नहीं है, आप रुकते रहने सारा दिन क्लास क्लूस लग गए करते जी पेपर छुट्टियाँ नहीं होने जी कट लें कट ला पेठे च जड़ा प्याज बद पता ही सुद बनता है, पेठा बढ़िया मसाला पा के बनता है। पेठा कट लिया जी, लड़म कर के आना उठे वो ढक दिए, वो टोकरी ने ढक दी ठीक, टोकरी भी आप प्याज कट दें जी, प्याज कट के फिर आप मिलते हैं सू थोड़ी देर बाद। ब्रेड कस्टर्ड ब्रेड रस
मैं सब्जी बनानी है जी पेठे की कढ़ाई च चुल्हे ते ते मैं ज़्यादातर काम चुल्हे ते करती हाँ जी। बस कोई वीडियो बनानी होंगी तो गैस से बना लेनी हाँ, क्योंकि हुण सबनूं पता ही आ गैस सिलेंडर किन्ने महंगे हो गए ने, ते जिन्नी बचत होंगी है ना आपां कर लई हरेक ही कोशिश करदा। ते बाकी जिहड़ी सब्जी आ उह तां चुल्हे दी वधिया बणदी आ, ते बस वीडियो दे चक्कर च मैं गैस ते बना लैनी आ, विचार वीडियो बण जूगी सब्जियां सब्जी बनाउणी दी पेठे दी मैं चुल्हे दी बाली अग। ते हुण इहदे विच आपां सब तों पहलां पावांगे जी मेथियां दे बीज। पेठे की सब्जी मेथे के बीज जरूर पाया करो, ये टेस्ट बहुत वधिया बनता। तो पेठे की सब्जी लिए टमाटर भी बहुत जरूरी है, टमाटर पावे तो बिच फिर यदा टेस्ट होर भी उभर के आता। हम ये पावे अपने कट के रखे हुए जो प्याज ने धोखे हुए, जीरा आप बाद पावे नहीं जीरा सा। जे तुसी मेरे नाल चैनल ते नवे जुड़े हो जी तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो जी, तो लाइक करो शेयर करो जी, मेरी वीडियो वधिया लगी हो कमेंट करके दस्यो जी भी किवें लग्या। तो बाकी सब तो पहला मैं आ मक्खियां का इलाज दस्यो जी, साडे मक्खियां बहुत ने वो भी घरेलू दस्यो, क्योंकि पेस्टिसाइड का तो मैं पता ही है दवाइया का भी कड़िया कड़िया आदियां ने, तो साढ़े सरदार साहब पेस्टिसाइड भी कंपनी से काम करते उन्होंने पता, पर मैं घरेलू इलाज चाहनी हाँ भी जिहदा कोई नुकसान ना हो मैं जरूर दस्यो कमेंट करके जे किसी को पता। तो मक्खियाँ बहुत तंग कर दी ने हुंदियां ए अजकल ही ने, हुण लो वगैरह चल पूगी फिर ये घट जाणगियां, फिर इन्नियां नहीं हुंदियां, फिर रुक ऐतकी लो चली नहीं हैगी क्यों मींह पई जांदे ने गे, तां करके मक्खियां बहुत ज़्यादा होईयां पईयां ने। मेरी ओपन बाहर रसोई है जिन्हां दीआं कोठियां च रसोईयां हुंदियां ने है ना, जाली वाले गेट हुंदे ने उन्हां नूं सानी इन्ना तंग कर दी, मैनू ये बहुत ज़्यादा तंग कर दी ने जी। जे किसी को घरेलू इलाज हैगा तो प्लीज़ जरूर जरूर दस्यो। जे किसी वीर भैन ने फसली रेह स्प्रे बारे जो है ना पूछना हो कमेंट करके वह भी पूछ सकता, जो प्याज है ना चंगी तरह भुने के आप फेर पावे पेठा, तो हम ये पा लें टमाटर अपने जो प्याज ने लाल हो गए, हम आप पा देंगे टमाटर नाल ही टमाटर पक जूगा। तो मैं सब्जी के मिर्च बाद क्यों पाने क्योंकि साढ़े मम्मी खाते नहीं होंगे मिर्चों की सब्जी, तो मैंने कोई भी सब्जी आपने मिर्चा तो पहला बनानी पैंती है या फिर मैं अलग बनानी पैंती है ना वास्ते उन्होंने दस ग्यारह साल मेरे बिना मिर्चा तो सब्जी खाते नहीं। हूँ पाने जी आप हल्दी तो नमक मिर्च मैं तुम्हें दसिया मैं बाद से पाऊंगी, मैं तो सब्जी च हरिया मिर्चा भी नहीं पा सकती जी, जो बनानी हो मिर्चा पा के स्पैशली बनानी पड़ी है। तो हम आप पावे पेठा, फिर जो ये बन गई जी थोड़ी जी फिर ये आप पा देंगे थोड़ा जा गुड़, जिदे टेस्ट बहुत वधिया बनता तो रंगत बहुत सोहनी आती है सब्जी की। तो हूँ स्लो थोड़ी थोड़ी अग तो बन जाएगी जी, ज़्यादा अग नहीं करते अपने नीचे जिन्नी अग जाएगी उस बन जाए तो अपन कवर कर देंगे ढक देंगे। चलो जी हम आप मिलते हैं थोड़ी देर बाद, इन बन गया सब्जी फिर मिलते हैं तुम दोबारा। अग मैं होर नहीं बाली, देखो इन्नी कक्क नाल अपनी सब्जी तैयार हो गई।
तो सब्जी बिल्कुल रेडी आ। तो अजकल धनिया नहीं हुंदा तो मैनू पसंद भी नहीं है गर्मी के धनिया, तो मैं सर्दी के बालियां सब्जियां च नहीं पाँदी। तो सब्जी अपनी रेडी आ, हुण आपां आटा उट्टा गुंदे आ जी, रोटी बनावांगे, फिर मिलदे आ तुहानू थोड़ी देर बाद। हुण आपां जी उधर पशुआं दा नबेड़िया है, डंगरां दा अंदर करते जी उह पुखियां थले, ते हुण आपां गोभी वाला नबेड़ के इधर अपने चुल्हे ते फेर आ के रोटी बनाउने आ। रोटी बना के फिर मिलदे आ तुहानू, क्योंकि मैं हुण नाल रहिरा साहब दा पाठ भी करना जी, ते पाठ कर रोटी बनाने मैं पाठ करूँगी, ते फिर उदू बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जड़ी चुल्हे की रोटी होंगी बहुत स्वाद होंगी, मिठी होंगी, पर भी गर्मी के औखी आ, तो जे नचर ला लेना उन्ना चर चुल्हे पर रोटी बना लें, तो फिर नहीं मैं कल्ली रोटी रोटी गैस पर बना लैनी, बाकी कम चुल्हे पर कर लें जी, जिमें सब्जी दुध वगैरह ये आप चुल्हे पर कर लें, प्लेटी रोटी बाकी रोटी रोटी कल्ली गैस से बना लें, लाइट होंगी माड़ा मोटा इंडक्शन से भी कम कर लें जी। चलो मिलते हैं जी, फिर रोटी पानी खा के हम आप फ्री हो गए, तो सारे ने रोटी खा ली, बीबी ने भी खा ली, तो बीबी ने पहला दे दें सारे तो, क्योंकि पहले ही साढ़े परिवार के पहले ही चल रहा भी है ना, बड़िया को रोटी देनी पहले पापा ही होंगे सके, असं पहला बीबी पापा ही रोटी दे के आप फिर खा गए, आप भी खा के फ्री हो गए। रोटी असं साजरे खा लें क्योंकि लेट भी लाइट भी चली जाती है, फिर नेरे चक्करा मारने पैने, सारे काम करना औखे हो जाते हैं। तो हूँ अज की वीडियो सुनू मेरी ये किमें लगी, जे वधिया लगी तो लाइक कमेंट जरूर करो जी, तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, तो वीडियो देखने सारे का धन्यवाद, वाहेगुरू करे सब ना लंबी उम्र बख्शे, तो सब का स्वागत का भला होवे, वाहेगुरू करे जी बीमारी है छेती तो छेती खत्म हो जाए, कोरोना की बीमारी फैली हुई है। तो मिलते हैं जी आप किसी होर वीडियो, अज लई इत्थे ही आप वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद, रब रखो।